एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी का नोटिस, पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने समन भेजा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी विभाग का नोटिस, पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने ऐश्वर्या राय को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी का नोटिस मिला है। दरअसल पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने समन ऐश्वर्या राय को भेजा है। ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। तो ईडी दफ्तर तलब किया गया है अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को। पनामा पेपर लीक मामले में ईडी सख्त होते हुई अब ऐश्वर्या राय बच्चन को तलब किया है अपने दफ्तर, यानी ईडी दफ्तर तलब किया गया है अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को। पनामा पेपर लीक केस में ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने ऐश्वर्या राय को पूछताछ के लिए दफ्तर भी बुलाया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन भेजा है। पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा है, नोटिस भेजा है और ईडी दफ्तर तलब किया है पूछताछ के लिए। तो आगे भी अब ऐश्वर्या राय बच्चन भी इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही हैं और अब उन्हें भी पूछताछ के लिए ईडी ने अपने दफ्तर में तलब किया है।